जो ऑयल बताने वाली हूँ उसकी जितनी तारीफ करो उतना कम है। वो बालों को लंबा, घना, सॉफ्ट और शाइनी बना देगा। ना सिर्फ वो बालों को, वो आपके गालों को भी चमका देगा। यस, आज मैं आप लोगों के लिए एलोवेरा ऑयल लेके आई हूँ, उसे स्किन, हेयर दोनों पर अप्लाई कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, नमस्ते, जय जिनेंद्र, मैं हूँ शालिनी, वेलकम टू माय चैनल। आओ खूबसूरती निखारते हैं। एलोवेरा ऑयल को कैसे प्रिपेयर करना है, उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट यूज करने हैं, उसके लिए आप वीडियो एंड तक जरूर देखिए, जिससे आपका ऑयल एकदम परफेक्ट बनेगा और आप उसका लुत्फ उठा सकेंगे। चलिए प्रिपरेशन देखते हैं, बट उससे पहले मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए ऑयल प्रिपेयर करते हैं। मेरे घर में एलोवेरा का प्लांट है, मैंने 5 to 6 फ्लैशी थिक लीफ ली है। इसे आप अच्छे से पानी से वॉश कर लीजिए और साइड में देखिए एलोवेरा की लीफ में कैसे काटे काटे हैं, इन्हें आप रिमूव कर लीजिए। आप इन्हें छोटे छोटे पीस में कट कर लीजिए और ग्राइंड कर दीजिए। ये एलोवेरा जेल प्रिपेयर हो गया है। अब एक लोहे की कढ़ाई लीजिए, अगर आपके पास लोहे की कढ़ाई नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, जो आपके पास अवेलेबल है आप वो यूज कर सकते हैं। एक कप एलोवेरा जेल ऐड कर दिया है, इसमें कोकोनट ऑयल ऐड कर दीजिए। मैंने 200 ml कोकोनट ऑयल लिया है। 18 से 20 काले मिर्च ऐड कर दिए। काले मिर्च में एंटी फंगल प्रॉपर्टीज होती है, जो भी स्कैल्प पे फंगल इन्फेक्शन होता है उसे वो ठीक करती है, और ऑयल हम जो प्रिपेयर करेंगे उसे स्टोर करने में हेल्प करेगी। अब इसे एकदम मीडियम फ्लेम पे 15 मिनट के लिए बॉईल कीजिए। एलोवेरा विटामिन्स का रिच सोर्स होता है। एलोवेरा में विटामिन ए, बी, सी, ई एंड फॉलिक एसिड्स होते हैं। विटामिन्स एंड फॉलिक एसिड मिलके हेयर फॉल को कंट्रोल करता है। एलोवेरा स्कैल्प पे जो भी ईचीनेस होती है, रेडनेस होती है, उसे ये रिड्यूस करता है और हेयर्स को नरिश करता है। ये लीजिए, 15 मिनट्स डन हो गए हैं, ऑयल प्रिपेयर हो गया है। अब इसे ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिए। ये ऑयल ठंडा हो गया है, इसे कॉटन का कपड़ा लीजिए और उससे छान लीजिए। अब एक बॉटल में ट्रांसफर कर लीजिए। ऑयल बनके रेडी हो गया है। अब मैं आपको बताती हूँ इसे कैसे यूज करना है। ऑयल को आप रूट्स में अच्छे से अप्लाई कर लीजिए और अच्छे से मसाज कीजिए। ओवरनाइट के लिए छोड़ दीजिए। अगर आप ओवरनाइट रखने में कंफर्टेबल नहीं है तो आप वॉश करने से 2 घंटे पहले इसे अप्लाई कर लीजिए। इस ऑयल को बच्चे भी यूज कर सकते हैं और बड़े भी यूज कर सकते हैं। आप इस ऑयल को अप्लाई कीजिए, कुछ ही हफ्तों में आपको इसके बेहतरीन रिजल्ट्स मिलेंगे। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये ऑयल कितना पसंद आया है। आपको मेरा ये ऑयल अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ और फैमिली मेंबर्स के साथ जरूर शेयर कीजिए। कीप अप्लाइंग, कीप शाइनिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।